गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वप्ना। तो अभी सुबह का 6 बज गया है और मैं थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी और अभी तक मैं अपना मॉर्निंग का चाय नहीं पिया है। मैं कुछ देर के लिए बाहर आकर खड़ी हो गई हूँ, उसके बाद जाऊँगी, मैं अपना मॉर्निंग का चाय भी बनाऊँगी। और 2 दिनों से हमारे यहाँ वेदर बहुत क्लाउडी है, तो आप सबको दिख रहा होगा बाहर कितना क्लाउडी वेदर है। तो बहुत अच्छा लग रहा है बाहर खड़ी होकर, सुबह सुबह ठंडी ठंडी फ्रेश हवा, बहुत अच्छा लगता है बाहर खड़ी होने के लिए। तो मैं सुबह जब भी उठती हूँ बाहर आकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खड़ी हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग में खाली पेट पानी पीना बहुत अच्छा होता है, तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ और कुछ पानी पी लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी, मेरा मॉर्निंग का चाय भी बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड गए हैं अभी मॉर्निंग वॉक के लिए, वो आने के बाद हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। तो पानी पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ मेरे किचन में और अभी मैं अपना मॉर्निंग का चाय भी बना रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ भी करूँगी। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं मॉर्निंग वॉक से, तो हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो चाय पीने के बाद अब मैं लग गई हूँ मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाने में। तो पहले मैं आटे को गूंद लेती हूँ, आटे को थोड़ी देर के लिए ढक कर रख लूँगी ताकि रोटी हमारा अच्छे से फूलेगा, और तब तक मैं अपना करी भी बना लूँगी। तो आटे को गूंद कर रख लिया है मैंने और अभी मैं बना रही हूँ करी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में आलू मटर की करी बना रही हूँ। तो मैं प्याज और टमाटर को ऑयल में फ्राई कर लिया है और ये मैं रेगुलर की मसाला ऐड कर रही हूँ अभी। ये मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है, उसके बाद सारी हमारा जो बेसिक मसाला है उसे भी ऐड कर लूँगी। तो ये मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने यहाँ लिया है, और उसके बाद मैं सारी पाउडर मसालों को इसमें ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं इसमें सारी रेगुलर की मसाला डाल रही हूँ, जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कुछ करी मसाला मैं ऐड करूँगी। तो सारी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ। तो अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी ताकि मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, मसाला से ऑयल सेपरेट हो गया है और अभी मैं इसमें आलू डाल दूँगी और बाद में मैं इसमें डालूँगी ग्रीन मटर। और अभी मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दूंगी और इसे फिर से हम ढक कर रख देंगे ताकि आलू हमारा अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं आप सबको दिखा रही हूँ आलू हमारा बिल्कुल बॉयल हो गया है और अभी मैं इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी। और हम फिर से इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि करी हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
तो फाइनली मैं इसमें धनिया की पत्ते ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए करी हो गया है और इसकी ग्रेवी देखिए कितना थिक दिख रहा है। और अभी मैं सारी रोटियों को सेक लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद यहाँ कुछ बर्तन निकले हुए थे, तो पहले मैं सारे बर्तन को साफ करके रख लेती हूँ। तो सारी बर्तन से पानी सूख गया है और अभी मैं सारी बर्तन को उसकी सही जगह में रख लेती हूँ। तो सारे बर्तन को रखने के बाद अभी मैं किचन काउंटर टॉप को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन का काम खत्म करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ और मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मैं पहले इसे फोल्ड करके रख लेती हूँ। बेड के ऊपर से सारे कपड़ों को हटाने के बाद अभी मैं बेड को थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। तो मैं सारे रूम में डस्टिंग कर लिया है और अभी मैं सारे रूम को झाड़ू भी लगा दूंगी। मॉर्निंग में मुझे सारा काम करने के लिए जितना टाइम नहीं लगता है, उससे ज़्यादा टाइम मुझे घर को झाड़ू लगाने के लिए लगता है, क्योंकि मैं हमेशा सारे कोनों में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा ये ख्याल रखती हूँ कि कोई भी कोना छूट ना जाए। तो सारे घर को और बाहर को अच्छे से झाड़ू लगाने के लिए मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो मॉर्निंग में ये मेरा सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, फिर भी मैं घर को अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर घर में अच्छे से झाड़ू नहीं लगा हो तो। लेकिन क्या करें, ये तो हम लेडीज़ का काम होता है घर को साफ रखना, तो ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद ये बाहर को मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ।
सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं सारे घर में पोछा भी लगा दिया है और ये डाइनिंग एरिया बाकी था, इसे भी मैं जल्दी ख़त्म कर लूँगी तो मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो मैं डेली डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन 2-3 दिन में ज़रूर पोछा लगा देती हूँ। अगर घर का फ्लोर क्लीन ना हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं 2-3 दिन में ज़रूर पोछा लगा देती हूँ। तो मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और अभी सुबह का 9:30 बज गया है और मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगी सवाल लेने के लिए। तो मैं अभी कुछ पानी को यहाँ स्टोर करके रख रही हूँ, सारे बटल में मैंने पानी स्टोर कर दिया है। मैं मॉर्निंग में हमेशा दिन भर के लिए पीने का पानी स्टोर करके रख देती हूँ ताकि मुझे बार बार RO चलाना नहीं पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं ही पेंट कर लेती हूँ। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।